आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे, हमारी आवाज़ जो है थोड़ी सी फंस रही है, यानी गला बैठ गया है। इतने सारे कॉल, इतने सारे मैसेज आते हैं ना, बात करते करते थक जाता हूँ, फिर भी आप लोग मानते नहीं हैं। सुबह से लेकर अभी तक जो है 1000 से ऊपर कॉल आ चुके हैं। अभी बज रहे हैं 12:30-40 हो रहे होंगे अप्रोक्स। तो अभी मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, जो आपके PTC बिशनपुरा बेगूसराय के जो है, मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ। और ये लिस्ट जो है आपको कुछ समय में ग्रुप में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि जो PTC आपका बिशनपुरा बेगूसराय है, सबसे पहले जो है संजीव कुमार जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो ये PDF प्रोवाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद डियर आप सभी लोगों को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हंसते रहें हमेशा, जीवन में मुस्कुराते रहें। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये आपका प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय बेगूसराय है ना, ये बहुत ही बेवकूफ वाला, मतलब बोलिएगा कि कॉलेज है। अब मैं बेवकूफ इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये अरेंज करने में काफी मेहनत लगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि इनका मोबाइल नंबर दे दिया गया है, जो कि बहुत गलत तरीका है। अब यहाँ बताइएगा कि यहाँ पर लड़का लड़की का नंबर दे दिया गया है। अब कितने ऐसे लोग होंगे, सबके अंदर तो घुसे नहीं रहते हैं लोग, वो एक दूसरे को परेशान करेंगे। तो इतनी भारी मिस्टेक जो है ना, ये कॉलेज वालों की तरफ से हुई है, इनको शर्म आनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय बिशनपुर बेगूसराय के प्रिंसिपल से निवेदन है कि आपके पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि जब आप किसी का लिस्ट जारी करते हैं तो उसमें आपको प्राइवेसी नजर नहीं आया कि आपने सारे बच्चों का जो है मोबाइल नंबर दे दिया, या मोबाइल नंबर हमने जो है कवर कर दिया है ताकि कोई भी बच्चा जो है ये मोबाइल नंबर नहीं ले सके। और यहाँ पर ये नॉलेज इनको होनी चाहिए, इतना समझ गए। ये बहुत ही, मतलब बोले जो तो एक तरह के बेहूदगी वाली सोच होगी कॉलेज की। मैं मानता हूँ कि नंबर जारी करना जरूरी होता है, बट नहीं करना चाहिए नंबर। आपको मैं बताना चाहूंगा, जितने भी डाइट कॉलेज है ना, वो बच्चों का नंबर जो है जारी नहीं किए हैं, लेकिन यह कॉलेज जो है ना जारी कर दिया है। मैंने इसको वीडियो बना लिया था तो मुझे ध्यान में आया, अरे यहाँ तो नंबर शो कर रहा है। फिर मुझे लगा कि मैं इससे अगर पब्लिश करूंगा तो कितने ऐसे बच्चे होंगे जो बच्चियों को परेशान करेंगे, जो कि बहुत ही गलत तरीका है, गलत बिहेवियर है। तो जो भी बच्चे बिशनपुर बेगूसराय से होंगे ना, उनको एक बार बोल दीजिएगा कि थोड़ा अपनी सोच को बदले, और ये थोड़ा घटिया जो बर्ताव है ना, बहुत ही गंदा है, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि जो ये आपका बिशनपुर बेगूसराय में बच्चे ने आवेदन किया है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो परसेंटेज है वो सबसे हाईएस्ट जो है आपका रश्मि रति का है, जो कि इनका 73% है, 73% इनका भी है, 73% है। और अगर हम बात कर ले ये आपका जो है विज्ञान का, ये लिस्ट आपको हम ग्रुप में दिलवा देंगे, और विज्ञान में कितने बच्चों ने आवेदन किया है यह देख लीजिएगा। तो विज्ञान में आवेदन करने की जो संख्या है ना, वो आपका जो है 80 बच्चों ने आवेदन किया है। 80 बच्चा ने जो है विज्ञान में आवेदन किया है। और अगर हम यहाँ पर साइंस की बात कर लेंगे तो आर्ट्स की बात कर लेंगे और वाणिज्य की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर है सदिया परवीन की बात कर लेंगे, जिनका परसेंटेज जो है 60% सबसे ज्यादा है आर्ट्स में, और बाकी उनका दूसरा पर है अर्जू परवीन, समझ गए। अगर उर्दू है इनका, ये उर्दू है तो इनका तो कन्फर्म हो जाएगा, जिनका उर्दू है उनका तो समझिए कन्फर्म हो जाएगा, उर्दू में रहेगा। तो बाकी अगर हम बात कर ले कि आर्ट्स में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो आर्ट्स में यहाँ पर जो है 42 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो यह जो PDF है आपको हम ग्रुप में दे देते हैं, और ये PDF में बहुत बड़ा मिस्टेक था कि मोबाइल नंबर था, जिसको हम कवर कर दिए हैं। ये PDF मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ संजीव कुमार जी को फिर से धन्यवाद कि आपने इतना सारा सपोर्ट और प्यार किया। ओके, धन्यवाद।